Assalamu alaikum. I welcome to all of you in Almunir High School e-learning system. This is your English lecture and today we will do unit number 5, the reward of your We Learn English Oxford book. So let's start the reading. Aslam, the first part of it, the treasure trove. Aslam was very fond of sports. Aslam ko khelon ka bahut shauk tha. He liked to play tennis and squash, but most of all, he liked to ride his bicycle. Usse khelon ka bahut shauk tha. Wo tennis khelna usko pasand tha, squash khelta tha, but sabse zyada jo cheez pasand thi, wo cycle chalana. He kept in a perfect shape by cleaning it regularly as he enjoyed taking part in the bicycle race. वो bicycle race में भी take part करता था, participation करता था, हिस्सा लेता था और वो अपनी cycle को हमेशा साफ और perfect shape में रखता था. I'll race you to the woods, he would challenge his friends, कि उसके अपने अपने friends को challenge किया कि हम woods तक में forest तक race करेंगे. Seldom did he lose a race. Sometimes वो race हार जाया करता था. His shelf was adorned with trophies of all shapes and sizes, and on the wall were photographs of him receiving certificates from eminent personalities. He would challenge his friends. Seldom he loses a race. His shelf was adorned with underline. इसका मतलब है decorated with. ट्रॉफीज से सजी हुई थी तमाम शेप्स और तमाम साइजेस की. एंड ऑन द वॉल वर फोटोग्राफ्स ऑन हिम रिसीविंग, और वॉल के ऊपर फोटोग्राफ्स लगी हुई थी उन तमाम सर्टिफिकेट्स की जो कि उसने रिसीव किए थे फ्रॉम एमिनेंट फेमस और पॉपुलर शख्सियात से. ही ऑल्सो कोच्ड हिज फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स ऑन हाउ टू राइड अ बाईसाइकिल. इसके अलावा वो अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स को कोच भी करता था, एजुकेट करता था कि किस तरह से साइकिल चलाई जाती है. द मोस्ट एंथ्यूसियस्टिक स्टूडेंट्स, जो ज़्यादा मोटिवेटेड और एंथ्यूसियस्टिक और एक्टिव स्टूडेंट जो था वो उसकी छोटी सिस्टर थी, जो किसका नाम था, आमना. ही वुड ऑफन एनकरेज हर टू एंटर रेसेस एज ही हैड लर्न द स्किल वेल. वो अक्सर उसको एनकरेज करता था कि उसको भी रेसों में हिस्सा लेना चाहिए बिकॉज शी हैड द स्किल. देन वन डे देर वॉज अ मिसहैप. मिसहैप मीन कोई एक्सीडेंट हो गया. एक दिन वाइल राइडिंग हिज बाईसाइकिल, जब वो अपनी साइकिल चला रहा था, असलम फेल एंड ब्रोक हिज लेग. असलम गिर गया और उसकी लेग ब्रेक हो गई. ही वॉज रश्ड टू द हॉस्पिटल इमिडिएटली. उसको फौरी तौर पर हॉस्पिटल ले जाया गया था. He stayed there for a week. वो एक हफ्ते तक वहाँ रहा. And Amna made sure that she visited him every day. और आमना ने इस चीज़ को यकीनी बनाया कि वह रोज़ अपने भाई को देखने के लिए जाए. Although he was badly hurt, Aslam would smile at Amna and say that he had not lost his spirit. लेकिन उस जो थे असलम ने हमेशा यही जाहिर किया कि जैसे वो बहुत खुश है और उसने अभी तक अपनी स्पिरिट लॉस नहीं की है. द टीम ऑफ द डॉक्टर एट द हॉस्पिटल ट्राइड देयर लेवल बेस्ट टू मेंड द ब्रोकन बोन, बट फाइनली कंक्लूडेड दैट असलम वुड बी फुली क्योर्ड इफ़ ही वेंट अब्रॉड फॉर अ मेजर ऑपरेशन. एक डॉक्टर की टीम, हॉस्पिटल की जो डॉक्टर्स की टीम थी, उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की कि वो उसकी ब्रोकन लेग को मेंड कर दें, लेकिन एट द एंड रिजल्ट क्या आया, द असलम वुड बी फुली क्योर्ड. वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा अगर वो बाहर ऑपरेशन के लिए, सर्जरी के लिए चला जाए. असलम बिलोंग टू अ मिडिल क्लास फैमिली एंड गोइंग फॉर अ ट्रीटमेंट अब्रॉड रिक्वायर्ड अ लॉट ऑफ मनी. असलम एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था और बाहर जाने के लिए बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत थी. ही लेफ्ट द हॉस्पिटल ऑन क्रचेस एंड वॉज टू रिमेन दिस वे अनटिल हिज फैमिली वॉज एबल टू अरेंज फॉर द फंड्स टू टेक हिम अब्रॉड फॉर द ऑपरेशन. अच्छा, फिर क्या हुआ, ही लेफ्ट द हॉस्पिटल. फिर हॉस्पिटल को उसने छोड़ दिया. किसके ऊपर? क्रचेस. क्रचेस क्या होती है? स्टिक होती है, एक वुडन स्टिक होती है जिसकी मदद से चलता है, जैसे आपकी बुक में फर्स्ट पेज पे शो भी हो रहा है.
एंड वॉज टू रिमेन दिस वे अंटिल द फैमिली वॉज एबल, और वो इसी तरह ही रहेगा जब तक कि उसकी फैमिली ऑपरेशन के लिए फंड्स इकट्ठे नहीं कर लेते। असलम करंट कंडीशन मेड आमना लॉस हर इंटरेस्ट इन साइकिलिंग, लेकिन असलम की जो करंट कंडीशन थी उससे आमना का इंटरेस्ट साइकिलिंग पे ख़त्म होता जा रहा था। बट ही कॉक्स्ड एंड एनकरेज्ड हर, नाउ डैट आई एम आउट यू शुड कैरी ऑन, कि उसने उसको इनक्रेज किया कि मैं तो अभी नहीं कर सकता लेकिन तुम्हें जारी रखना चाहिए। डोंट गिव अप, उम्मीद मत छोड़ो। बट आमना सी हर ब्रदर, बट आमना न्यूज डैट इट वुड टेक अ लॉट ऑफ परसुएशन एंड करेज। इट वॉज नॉट अ वेरी प्लेजेंट साइट टू सी हर ब्रदर ऑन क्रचेज, क्योंकि अपने भाई को क्रचेज पे देख के, स्टिक्स पे देख के उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। असलम एंड आमना लिव्ड विद देयर फैमिली इन एन ओल्ड बट कम्फर्टेबल हाउस विच हैज़ ओन्ड बाय हर वेरी हेल्दी पीपल मैनी ईयर्स अगो, बहुत ही अमीर लोगों ने कुछ साल पहले उनको ये छोटा सा और कम्फर्टेबल हाउस दे दिया था। असलम्स क्रचेज मेड अ लाउड साउंड एज दे टच द वुडन फ्लोरिंग ऑन द हाउस, जो हाउस के फ्लोर थे, जो फर्श थे, वो वुडन के बने हुए थे और जब क्रचेज से असलम चलता था तो उसकी आवाज़ आती थी। असलम नेवर फेल्ट सॉरी फॉर हिम सेल्फ एंड ऑलवेज लुक्ड हैप्पी, लेकिन असलम ने कभी भी बुरा नहीं माना और वो हमेशा हैप्पी ही नज़र आया। ही सेट अ गुड एग्जाम्पल फॉर अदर्स हु बिकेम सैड ड्यू टू माइनर सेट बैक इन लाइफ, और एक अच्छी मिसाल कायम की उन लोगों के लिए जो कि माइनर मिसहैप से अपना जो है सेट बैक लाइफ की तरफ आ जाते हैं, उम्मीद को खो देते हैं। वन डे ही वॉज टीजिंग आमना एंड हैसेंट आफ्टर हर, फिर एक दिन क्या हुआ कि आमना उसको तंग कर रही थी। आई विल कैच अप विद यू ही येल्ड आउट एट हर, वो उसके ऊपर चिल्लाया कि तुम भागो मैं तुम्हें पकड़ लूँगा। एज शी ट्राइड टू रन अवे, जैसे ही उसने भागने की कोशिश की, इन हिज हेस्ट वन ऑफ हिज क्रचेस, उसकी जल्दी में उसकी जो एक क्रच थी, जो एक उसकी वुडन स्टिक थी, स्लिप्ड फ्रॉम अंडर हिज आर्म, उसके आर्म से स्लिप हो गई। एज ही ट्राइड टू रिट्राइव इट, उसने पूरी कोशिश की कि उसको दोबारा उठाए। असलम फेल ऑन द फ्लोर विद अ थर्ड, तो वो एक बिल्कुल आवाज़ के साथ फर्श पर गिर गया। वन ऑफ द वुडन प्लैंक्स ऑफ द फ्लोर लूजेंड एंड मूव्ड फ्रॉम इट्स प्लेस रिवीलिंग अ बॉक्स बीनीथ, उससे क्या हुआ कि जो फर्श का वुडन प्लैंक था, जो एक वुडन का पीस था, वो स्लिप होके उसने अपनी जगह छोड़ दी। सरप्राइज्ड ही लिफ्टेड आउट द बॉक्स, इट वॉज हैवी, फिर हैरानगी से उनको बॉक्स नजर आया और उन्होंने उसको बाहर निकाला, वो बहुत हैवी था। व्हेन ही ओपन इट ही फाउंड अ नोट दैट रीड दिस ट्रेजर इज फॉर द पर्सन हु फाइंड्स इट, तो उसके अंदर एक नोट लिखा हुआ था, एक स्लिप थी जिसमें यह लिखा था कि ये ट्रेजर उसके लिए है जो कि उसको ढूंढता है। द बॉक्स वॉज फुल ऑफ गोल्ड कॉइन्स, और जो बॉक्स था बिल्कुल कॉइन से भरा हुआ था। आमना हियरिंग द नॉइस टर्न्ड अराउंड टू सी अ प्लैंक आउट ऑफ द प्लेस एंड द शिमर ऑफ द गोल्ड कॉइन्स, आमना ने वो आवाज़ सुनी, टर्न्ड अराउंड टू सी अ प्लैंक, जो कि जब वो प्लैंक हटा था, जो पीस हटा था, उस जो पीस को हटाया गया, एंड द शिमर ऑफ द गोल्ड कॉइन्स, तो उसमें से गोल्ड कॉइंस निकले, सोने के सिक्के जो के चमक रहे थे, शाइनिंग कर रहे थे। व्हेन द मनी फ्रॉम द सेल ऑफ द गोल्ड कॉइंस, असलम प्रोसीडेड अब्रॉड फॉर ट्रीटमेंट एंड रिटर्न फुली रिकवर्ड, फिर वो जो सोने के सिक्के थे वो सेल किए गए और जो पैसे उससे मिले, असलम को बाहर भेजा गया इलाज के लिए, और जब वो वापस आया तो वो फुली रिकवर्ड था। He was welcomed back at the airport, और फिर एयरपोर्ट पर उसको वेलकम किया गया। When he became an adult, when he became grow, जब वो बड़ा हो गया, when he grows up, Aslam married a disabled girl, तो Aslam एक disabled girl से शादी करता है, because to him the disability was as normal as being normal could be, क्योंकि disability जो है उसको उतना normal लेना चाहिए जितना हम ले सकते हैं। So this is the first part of it. Now here are the some pair of words with example like exceed,
and accede, advise, advise, accept, accept, essay, essay, access, access, affect, affect, alter, alter. Here are the some pair of words there. And there is a small story about a Snow White. I will give you the summary of it. The Snow White is a story of a girl who is the stepdaughter of a queen. But queen does not like her. And she ordered to her guard to murder the Snow White. But the Snow White is so innocent that the guard had promised not to tell the wicked queen that he had not carried out her order and had spared innocent Snow White lives. फिर क्या होता है, एवरी डे स्नो वाइट वुड कुक एंड क्लीन एंड कीप द हाउस पिक एंड स्पैन फॉर द काइंड डॉग्स हु लव्ड हर एज वन वुड लव एज अ डॉटर एंड सिस्टर. उसके पास डॉग्स होते हैं, वो उसको उतना ही प्यार करते हैं जैसे कोई अपनी बहन से या सिस्टर से करता है. फिर वन डे, एक दिन क्या होता है, द स्नो वाइट ऑलमोस्ट डन विद हर चोर्स एंड वर्स गेटिंग रेडी टू टेक अ नैप. कि वो अपनी रूटीन वर्क से फारिग हो जाती है और क्या करती है कि आराम करने के लिए जाती है. बट एट अ सडन शी रिमेंबर्स दैट शी वुड नॉट क्लीन द लिविंग रूम. कि उसने लिविंग रूम तो साफ नहीं किया है, तो फिर वो क्या करती है, शी इज वेरी एक्टिव वाइल शी वॉन्ट टू टेक रेस्ट बट शी वुड नॉट मैनेज द डोर्स फिटफुली एंड dust under the rug, these sentences echoing in her mind. And as soon as she picked the rug, she got out of the bed and ran towards the living room. She picked up the rug and she was taken aback. मतलब उसको उठाती है, उसको पीछे खींचती है. So there are the pieces of gold glittering in the sunlight. तो pieces of gold जो थे वो चमक रहे थे sunlight में. And she found very happy to take that gold. And the seven dwarfs, जो small creatures, tiny creatures थी, they said her, if these gold coins are the reward of his sincerity, कि जो sincerity उसकी उसकी work के साथ थी, ये जो seven gold coins हैं वो उसका reward थे. So that's about all. Now here are some pair of words with examples, because pair of words are in the text. Example of prefixes like un, in, in, ill, ill, miss, dis and non. These are the prefixes which add before the word. After that, we will do the exercise of it. First is the question answers on page number 30 of your book, A part. So here are the question answers 1, 2, 3, 4, 5. You can note it down on your journal. After that, the B part, that is the words meaning. Important, eminent, eager, fond of, related to money, treasure, persuade, gently, coaxed, setback, to get back भी हो सकता है और set back भी हो सकता है. Rich, found gold coins, enthusiastic, excitedly, mishap, bad luck, set back, to get back, disabled, crippled. After that, read the story again and do the following task. Here is this: character, setting, element, theme and ending. After that, the D exercise is the select the appropriate words from the given sentences. Okay, you will do it on the book. Now exercise C is also the fill in the blanks, and you will do it on the book, page number 31 per. Now exercise F, that is explain the difference meaning between each pair of words. And now we are now make the sentences of three pair of words in the one sentence. So, पहले आप करेंगे words meaning. Intrude,
interfere, intervene, involve. Second, dialogue, conversation. Discourse meaning is discussion. Current, E के साथ, इसका meaning है present. And second current, जो A के साथ है, that is the small dry fruit. Eminent with the starting E, the meaning is renowned or important. Imminent with the word I is near or close. Loose, drop or misplace. And loose mean free. Cartoon, animation. Curtain, box. Umpire with U is referee. R-E-F-E-R-E-E, referee. E-umpire mean organization. Mental with A is intellectual. And mental with L is role or duty. Court with the word Q is saying or recite. And court with the word C is ground or ring. Scene, S-E-E-N, scene is perceive, P-E-R-C-E-I-V-E, and scene, S-E-E-N-E, scene is site or location. अब ये वर्क करना हमने कि now इन pair of words को we will use in the sentences, और एक ही sentence में दोनों pair of words use करने हैं, कोई से three बनाने हैं हमने. So first आप लिखेंगे intrude और intervene का. My aim was to intervene, not intrude, so that a decision could be made. After that, lose. When you lose a lot of weight, L-O-S-E, lose, a lot of weight, your clothes become loose, L-O-S-E, lose. Last sentence, seen, S-E-E-N, we could not believe the terrible scene. S-C-E-N-E, scene, पहले आएगा. We had just seen. S-W-E-N, scene, बाद में आएगा. So, sentence क्या बना? We could not believe the terrible scene. We had just seen. Now, on page number 33, here are the some words and you are supposed to use in the sentence. Exercise 8 is flower. There are many flowers in the garden. Floor. She rolled the pieces of meat in the floor and fried them. Expense with E. I am waiting for his last expense account. यहाँ हमने दो सेंटेंस बनाएंगे each pair of words के. मीन फ्लावर का, फ्लावर का अलग बनेगा और फ्लोर का अलग. एक्सपेंस विद द वर्ड ई का सेपरेट बनाएंगे और ए का सेपरेट. ओके. वी हैव अ वास्ट एक्सपेंस ऑफ कल्टिवेटेड लैंड. नंबर थ्री रिजेंबल, सॉरी नंबर थ्री फीस. दे हैड अ फीस्ट इन देयर हाउस एंड फिस्ट. He struck the wall with his fist. Number 4, resemble. She resembles her mother. Assemble. The machine has to be assembled. 4th, boy. He is a naughty boy. And boy, इसका meaning होता है उठाए रखना. B-U-O-Y. उठाए रखना. सतह, surface पर रखना. The yacht, Y-A-C-H-T. The yacht sailed. S-A-I-L-E-D, sailed around a boy. Moral, she gave me a moral support. And morale, the team is playing well and their morale is high. Now here are the some prefixes. Appeared, disappeared. Moral, immoral. Like, dislike. And like, unlike. Managed, mismanaged. Wanted, unwanted. Usual, unusual. Common, uncommon. Patient, impatient. Spell,
miss spell. So we have completed our chapter. That's about all. अब आपका यह work है कि you will note it down on your journal and make sure the learning of it. So wish you best of luck. Take care and Allah Hafiz.